और आज हम बहुत दिनों के बाद निकले हैं और एक ले जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत पैलेस है। आज कोई जगह को हम एक्सप्लोर करने नहीं जा रहे हैं, आज इस जगह हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कैनरी हिल, उसके बाद देखेंगे कि उसके साथ हम अगर हमारे पास टाइम रहा तो उसके साथ देखेंगे कहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे, हम आपको सारा कुछ दिखाते हुए चलेंगे कि हम कितने दूर कितना टाइम लगा है वहाँ पहुँचने के लिए और वहाँ पे क्या क्या है, कौन से लोग जा सकते हैं और कैसा जगह है वहाँ पे। तो बने रहे आप लोग, मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। गाइस, क्योंकि हम रास्ता करके निकले नहीं हैं तो अभी हम रास्ते में रुके हैं नाश्ता करने के लिए। और हम जानते हैं कि इधर उधर खाने में समोसा को जड़ी पकौड़ी तो हम खाते नहीं हैं, तो अब हम एक बहुत मुश्किल से इडली का दुकान मिला है हमें, तो हम इडली खाएंगे। गुड फॉर हेल्थ, इडली समोसा कचौड़ी से बेटर। तो ये देखिए हमारे धनराज भाई और ये हमारे इडली। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया हम लोग का, इडली एंड सांभर। गुड फॉर हेल्थ, देर में हम लोग कुछ खाने वाले हैं। काफ़ी लंबा ट्रैवल हो चुका है इधर, क्योंकि इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप खाइए, लोग खाइए, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगा और समोसा कचौड़ी खाने से थोड़ी देर में भूख लग जाती है। ये देखिए दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, इडली, और इसे ही हम खा रहे हैं हमारे धनराज भाई। गाइस हमारा नाश्ता हो चुका है, बहुत ही टेस्टी इडली, काफ़ी जोर खाया। अगर आप लोग भी इधर से गुजरेंगे या इधर साइड आएंगे तो आप लोग भी यहाँ पे रुक के इडली का आनंद ले सकते हैं। और इस दुकान का नाम है, ये देखिए रेस्टोरेंट का नाम, आरोही मिष्टी वेज रेस्टोरेंट। और ये पड़ता है आपका खेलगांव चौक से थोड़ा सा 20 कदम आगे राइट साइड में पड़ता है। तो अगर आप लोग भी इधर से गुजरेंगे या इधर से डाएंगे तो यहाँ का इडली खा के जरूर एक बार टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही शानदार, हमें तो बहुत ही मज़ा आया। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, हमारा नाश्ता हो चुका है। हेलो गाइस, फाइनली हम कैनरी हिल पहुंच चुके हैं। कम से कम हमें 2.5 घंटे लगे रांची से यहां पहुंचने में, और यहां से हमें कम से कम 600 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़नी है। और यहां से मैं एक आपको एक लोकेशन दिखा देता हूं। ये देखिए यहां नीचे में एक पार्किंग स्थल है, जो अगर आप बाइक कार जिससे भी आते हैं तो आपको बाइक पार्क करके उसके बाद इस साइड में सीढ़ी है और यहाँ से ऊपर की ओर चढ़नी है। और यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस दिया गया है। और अगर आप लोगों को कुछ खाने पीने के लिए है तो यहाँ पर कैंटीन भी है और यहाँ पर एक लोग रहते हैं जो आपको बाइक कार का टिकट देगा और आपकी बाइक कार का रखवाली करेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। और अब हम आगे इधर बढ़ रहे हैं। आप हालात देख सकते हैं, पर अभी प्रॉपर सीढ़ी भी नहीं बनाई गई है। गवर्नमेंट को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी पिच से भरा हुआ है। अगर कोई बच्चे या कोई बूढ़े अगर यहाँ पे आते हैं
घटना का संभावना हो सकती है, तो सरकार को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पर्यटन स्थल है। और देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये इतना खराब सीढ़ी है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो आप जब भी आएंगे तो थोड़ा संभल के ऊपर की तरफ चढ़िएगा, क्योंकि अगल बगल थोड़ा जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगल बगल हाई मिलता जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। और अभी हम आपको ऊपर चढ़ के दिखाएंगे कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। अरे यार दोस्तों, ये देखिए इसका नज़ारा। अभी आप जब तक ऊपर नहीं पहुँचेंगे तब तक आप लोगों को कोई अच्छा नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे। तो मिलते हैं आगे। गाइस, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा है। यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक नज़र आ रही है पूरा हजारीबाग। और अभी तो हम आधे रास्ते में हैं क्योंकि काफ़ी चढ़ान है। जी दोस्तों, कितनी ख़राब सीढ़ी है, क्योंकि प्रॉपर ये हैवी नहीं, और किस तरह से ये सीढ़ी की ईंटें उखड़ चुकी हैं और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, हम कैनी हिल के टॉप पे पहुंच चुके हैं, जहाँ से पूरे हजारीबाग का नज़ारा बहुत ही अद्भुत लग रहा है। और हम अभी थोड़े से ऊपर जाके और देखेंगे। हम अभी आधे रास्ते में, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़नी बाकी है, और ये हम कैनरी हिल के सबसे टॉप में रहेंगे। और कैनरी हिल का टॉप ये है, ये देखिए ये सामने वाले छोटा सा मंदिर टाइप का जो दिख रहा है ये है, और जो काफ़ी औसम दिखता है। आप नीचे से इसका नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत। और ये भी है, तो हम आगे चलते के दिखाते हैं। हेलो गाइस, देखिए छोटे छोटे भाई लोग मिले हैं, यही लोकल है हजारीबाग के। क्या नाम है अपना, नाम बता दो। आर्यन। ये आर्यन भाई है, और ये गोलू पासवान, अनसिन्हा। ये भाई लोग आए यहाँ पर कैनरी हिल घूमने के लिए। कहाँ का है तुम? कोर्रा। यहाँ हजारीबाग में रहते हो? ये भाई लोग यहीं के हैं। तो भाई लोग बहुत एक्साइटेड थे, तो बोले कि हमारा ही वीडियो बना दे, तो बना दे रहे हैं। तो भाई लोगों ने बोला कि हम लोगों को वीडियो देखेंगे, तो इसीलिए चलो थैंक यू भाई लोग, तो मिलते हैं। दोस्तों चलिए, अब आपको जो कैनरी हिल का सबसे ऊपरी टॉप है वहाँ से इसके पूरे शहर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, जो कितना औसम लगता है। बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू आता है इसके सबसे ऊपरी टॉप पे। चलिए फाइनली हम पहुँच गए हैं और हम आपको नज़ारा दिखाने के लिए तैयार है। ये देखिए दोस्तों, कैनरी हिल के सबसे ऊपरी छोर से हजारीबाग का नज़ारा कितना औसम लग रहा है। और इससे इसके बीच से जो रोड गई है वो भी लाजवाब। गाइस, हम कैनरी हिल के टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से हजारीबाग का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी थोड़ा फॉग होने की वजह से पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन हम अपनी आंखों से इसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देख रहे हैं। कैमरा में पूरे तरह से नहीं आ रहा, मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कैनरी हिल के टॉप का नज़ारा कितना खूबसूरत और कितना आकर्षक। और ये जो बीच से हजारी बाईपास रोड जो गई हुई है, ये इसका नज़ारा और भी काफ़ी खूबसूरत बनाता है। ये देखिए, और जब ये फॉग नहीं रहेगी तो यहाँ का नज़ारा और भी आकर्षक और काफ़ी दूर तक नज़र आएगा। ये देखिए दोस्तों, कैनरी हिल के सबसे ऊपरी टॉप से हजारीबाग का नज़ारा कैनरी हिल। और ये मैं जो टॉप पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे एक कमी नज़र आई है, जिसे आप इसके चारों तरफ देख सकते हैं, इसमें रेलिंग नहीं है, जो काफ़ी घटनाग्रस्त हो सकता है। यहाँ से हजारीबाग का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे कुछ खामियाँ नज़र आई यहाँ पर। इतना ऊँचा
चढ़ के मुझे कुछ खामे नज़र आ रही है इस टॉप पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं इस टॉप पे ये बात करूँ, ये जो गुम्बद नुमा जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, तो जैसे मैं देख सकता हूँ, ये देखिए ये एक रट पे खड़ा है, और ये कभी भी जिसके इसके हालत देख सकते हैं कितने जर्जर हो चुके हैं, और ये कभी भी धस सकती है। तो कोई भी कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ पे आए दिन लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको भी थोड़ा मरम्मत किया जाए, क्योंकि ये देखिए कभी भी ये गिर सकती है। ये देखिए कितना ख़राब हालत हो चुका है, और एक हादसा हो सकता है। तो सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये भी काफ़ी एक लोग घूमने के लिए आते हैं, हम खुद काफ़ी दिनों से इसके बारे में सुन रहे थे, तो हम खुद इतने रांची से आए हैं, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों यहाँ पे आके। और यहाँ से भी मुझे कमियाँ नज़र आई, जैसे कि यहाँ की सीढ़ी, क्योंकि हमें आने में बहुत तकलीफ महसूस हुई। यहाँ आते समय तो सीढ़ी बस जो बचा होता है वही सीढ़ी है, और रेलिंग तो है नहीं कुछ भी। अगर कोई बच्चे या कोई बूढ़े आएंगे तो उन्हें काफ़ी तकलीफ हो सकती है यहाँ पर। और दोस्तों और एक बात, हमें नीचे जो गार्ड है जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, उन्होंने हमें एक बात बताई कि यहाँ पर लोग आते हैं और गंदगी फैला के चले जाते हैं, जो काफ़ी ख़राब बात है, क्योंकि ये हमारा अपना ही स्थल है, हम ही आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो कृपया करके आप लोग इसे स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं, जो भी आप रेपर और ये सब लाते हैं उसे आप एक जगह रखें, या फिर अपने साथ ले जाएं, जहाँ पे डस्टबिन दिखे वहाँ पे रख दें, तो ये एक अच्छा चीज़ रहेगा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि गंदगी किसी भी पसंद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमें तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, और अब हम यहाँ से निकलेंगे, आप लोगों निकलते हुए आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे यहाँ पर कि और भी यहाँ पर क्या कमी रह गई है या क्या बातें हैं। तो धन्यवाद भाई, बोलेंगे कुछ यहाँ के बारे में। धन्यवाद, हाउ फील टुडे? वेरी यूनिक प्लेस, आप यहाँ का नज़ारा देखिए वीडियो पे कितना प्यारा था, और यहाँ की हाईवे जो क्लियर दिखाई दे रही है कैनरी हिल पे, आप लोग आइए और जरूर से देखें, काफ़ी प्यारा, काफ़ी यूनिक प्लेस है। व्यू के पर्पज़ से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी काम अभी बाकी है जो गवर्नमेंट ने पूरी तरह नहीं किया है। सूरज ने बताया कि सफाई भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है, और सीढ़ी भी प्रॉपर नहीं है। जब भी आए अपना ख्याल रखें, और कोशिश करें कि गार्जियन के साथ ना आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि सीढ़ी काफ़ी कंजेस्टेड है और काफ़ी टूटा हुआ है, प्रॉपर बना हुआ नहीं है, काफ़ी लोग आप लोगों को कष्ट होगा। लेकिन आए इस रूट पे तो ज़रूर इसे कैनरेल पे व्यू पे देखें। और एक बात दोस्तों, जब भी आते हैं आप लोग तो अपना सेफ्टी लेते हुए आए, और चलिए अब नीचे जाते हैं और नीचे बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं, चलिए मिलते हैं नीचे। गाइस अब हम नीचे उतर रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम चढ़ने में हुई थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम और रिक्स नीचे उतरने में है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर रेलिंग नहीं है और सीढ़ियाँ टूटी फूटी है। ये देखिए दोस्तों ये सीढ़ी की हालत, और जब हम ये उतर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जितना हमें चढ़ने में नहीं हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर तो सीढ़ी भी नहीं है, और हमें बैलेंस बना के उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर पैर रखने के लिए जगह भी नहीं है। जो लोग आते हैं बूढ़े बच्चे लेडीज़, तो उन्हें कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जब उतर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आगे की तरफ ढलान है, अगर गलती से भी कोई गिरेगा तो उसे काफ़ी चोटें आ सकती हैं। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारीबाग में यही एक पर्यटन स्थल है, जो हजारीबाग के खूबसूरत बनाती हैं। तो गवर्नमेंट को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे हम जो सुरक्षा कर्मी हैं जो यहाँ की देख रेख करते हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए धनराज भाई भी आराम से उतर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितनी चढ़ान है,
और आदमी चढ़ने तो सक जाता है लेकिन उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों हमारे साथ है कैनरी हिल के दो ऑपरेटर, क्या नाम होगी आप लोग का? मेरा नाम राजा कुमार पासवान है। और आपका? तो विकास राजा भाई, तो आप लोगों को और यहाँ पर क्या गवर्नमेंट से और क्या सही कराना है? गवर्नमेंट से हम लोगों को यही सही करवाना है कि बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे आदमी लोग लेके जाते हैं और लेके वापस नीचे आते भी नहीं है, और सिक्योरिटी मनी उन लोग से मांगते हैं तो वो भी नहीं देते हैं, बांस करके चले जाते हैं, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते उन लोग से। और आप गया बात सीढ़ी का, तो बहुत सारे बच्चे लोग जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है चढ़ने में, बहुत सारा केसेस आ भी चुका है, गिर चुका है बहुत जन ऊपर से, लेडीज लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेन हमको पर्पस है यहाँ का गंदगी बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पर लगातार 15 से 20 दिन का कैंप चलाए थे साफ सफाई में, बहुत सारा साफ सफाई किए हैं, कचरा सब जमा करके रखे हैं, पब्लिक को दिखाते भी हैं फिर भी वो लोग नहीं समझते। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है? डेली यहाँ पे कितने लोग विजिट करते हैं? नेवी यहाँ पे विजिट करने वाले 100-150। यहाँ पे कोई टिकट लगता है क्या? नहीं टिकट नहीं है। टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है, गाड़ी पार्किंग है। अच्छा, फ्री एंट्री है, गाड़ी पार्किंग है, ठीक है, थैंक यू आप लोग।